हम जा रहे हैं हमारे जिप्सी लेके। प्लान है इसको लेके जाने का साच पास, मतलब बहुत ऑफ रोड तगड़े वाला रास्ता। तो भाई सब रेट वेट पूछ रहे हैं, मॉडिफाइड है, कंपनी से आती है। हेलो भाई साहब ने क्या कर दिया? अरे यार गलती से हाथ चिपक गया। ये आगे वाले बंदे डिक्की खोल के चला रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 7:23 बस हमारा ड्रोन चार्ज हो रहा है। ये हमारा लैपटॉप वाला बैग हो गया, वो हमारा दूसरा बैग हो गया जिसमें मेरे भी कपड़े हैं, जीजू के भी कपड़े हैं, और हम जा कर रहे हैं। एक बारी पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हाँ भाई ना थोड़ी रोशनी, पहले मैंने एक ही बैग बनाया था अपना, एक नहीं थोड़े कपड़े उसमें है, सिर्फ ये वाला बैग बनाया था, अभी ये वाला भी ले लिया बिकॉज सामान थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और बैग कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा दो बैग बना लेते, गाड़ी में जगह तो है ही है। ये देखो सुबह स्कूल जाने का टाइम है और यहाँ कार्टून देख रहा है। ओ अंग्रेज, कंगी भी नहीं करी अभी तक तूने, 8 बजे तो स्कूल पहुंचना होता है। टेनिटीज अटेंशन, जय हिंद। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं दमदमा साहब गुरुद्वारे, वहां से जाएंगे सिद्धू पाजी घर, फिर आज रात का रुकने का जो प्लान है ना वो है पटियाला का, कल जाएंगे गोल्डन टेम्पल अमृतसर, उसके बाद परसों वापसी आ जाएंगे। 3 दिन का टूर है, 3 से 4 हो जाए, 4 से 2 हो जाए वो देखा जाएगा रस्ते में। हम जा कैसे रहे हैं ना, हम जा रहे हैं हमारे जिप्सी लेके और पीछे वाली बाइक रख के, अगर बीच में मन हुआ बाइक नीचे उतारेंगे, बाइक भी चलाएंगे, बीच में मन हुआ तो पक्का नहीं है। वही पीछे वाले शीशे पे तो होश जम गई है, जमेगी भाई। तो सामान रखने का तरीका, ये रख दो, ये आएगा हेलमेट सेट भाई, सारा सामान JATTHJOT जट तब जो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, 3 मिलियन कराओ तभी तो H2 आएगी भाई मेरे, वाओ। तो सोनू भाई की गाड़ी में आई थिंक चूहा घुस गया, पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं। सुबह सुबह लड़ाई, सुबह सुबह लड़ाई, नो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये वाली बेल्ट को हम यहाँ से बांध के नीचे से बांध रहे, बिकॉज कल हमने गाड़ी चलाई थी ना तो टायर पीछे वाला स्पीड ब्रेकर या कोई भी खड्डा आ रहा ना उछल रहा है हल्का सा, अब एकदम सेट होगी भाई हमारी बाइक, यहाँ से बांध देना पीछे वाला टायर हिलेगा ही नहीं। चल भाई बाय बाय, बैक गेयर डाला, क्लच दबाए दी, खच के जब पैर तो ये हमारा जिप्सी में दूसरा सफर है, मेरा दूसरा सफर है और इनका पहला, मेरा जो पहले वाला था ना वो तो ज्यादा ही लंबा था, 3 महीने का हो गया था, बाकी बाबा जी से प्रे करते हैं अच्छे से जाए कृपा करें। तो भाई अभी हम जा रहे हैं बैक साइड वाले रास्ते से, हमारा प्लान था ना निकलने का वो सुबह 7 बजे का था और हम निकले 8 बजे और अभी टाइम हो रहा है 8:31 और जाम देखो भाई। देखो अभी क्या है ना, हमारी गाड़ी चलेगी 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तो अमृतसर ही हो गया, बाकी जो 100-200 चलेगी वो अलग, 1200 किलोमीटर में ना अच्छे से टेस्टिंग हो जाएगी बाइक, कहीं जाती तो नहीं बिकॉज कहीं ऑफ रोड ले जाओ, मेरा प्लान है इसको लेके जाने का साच पास, मतलब बहुत ऑफ रोड तगड़े वाला रास्ता। जिसको भी घर के लिए सब्जियां चाहिए हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम लेते आएंगे भाई। बड़ा जबरदस्त पब्लिक रिएक्शन आ रहा है साइड में, वो देखो सब्जी वाले भैया हाय भी कर रहे हैं, वो भी हम ही देख रहे हैं। तो घर से करीबन हम 35 किलोमीटर आ गए हैं, पेट्रोल टैंक में थोड़ा पेट्रोल कम है, आए कोई पेट्रोल पंप आता है फुल करवाते हैं, फिर इसकी एवरेज बताएंगे कि फुल टैंक में कितनी चली है। आवाज बहुत बड़ी आ रही है भाई, ये फुल टैंक में चलती है 140 किलोमीटर बस। तो अभी एक छोटा सा सीन हो रहा है, इसका जो फ्रंट वाला शीशा है ना ये मैंने पूरा का पूरा चेंज कराया था, बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा स्क्रैच थे, रात को चलाने में दिक्कत होती थी, और जो हमारा फास्टैग है ना वो शीशे के साथ ही चला गया, अभी जो भी पहला टोल आएगा ना उस पे फास्टैग भी लगवा लेंगे, नहीं तो डबल टोल देना पड़ेगा। छुपा हुआ है वो साइड में बैठा भाई, क्या हाल है भाई मेरे? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। टैग है ना लगा दो, कौन सा? तो ये आ गया अपना फास्ट टैग और यहाँ पर 500 रुपए का, 100 रुपए ज्यादा ले रहे हो तुम, लेकिन कोई नहीं भाई हो तुम। हेलो भाई साहब ने क्या कर दिया? अरे यार गलती से हाथ चिपक गया यहाँ पर, मैं यहाँ लगा रहा था वो एकदम से यही चिपक गया, अब भाई कह रहा है यही लगा दो, लेकिन यहाँ लगाने की दिक्कत क्या है ना, हमारा जो सामने का एंगल है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। भाई साहब ने ऊपर लगा दिया, लगा तो दिया उतार के, लेकिन आधा टैग छोटा सा यहाँ पर रह गया, भाई कह रहा चल गया तो बढ़िया। नहीं चला तो 500 रुपए का नुकसान, मतलब मैं ऐसे लगा रहा हूँ
ऊपर लेके जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, बच करके यहीं चिपक गया यार। या तो डबल पैसे देंगे या ये टैग चल जाएगा, पता नहीं खराब ही ना हो गया। नहीं चला यार, थोड़ा और आगे लूं क्या? चल गया। क्या हुआ? अभी तो लिया पीछे से यार। तो ठीक है, थैंक यू भाई। भाई ने अपनी मशीन में गाड़ी का नंबर डाला, उससे दिखा दे कि टैग बना हुआ और अभी अभी बना है, तो उन्होंने तो कर दिया। आगे चलेगा नहीं चलेगा ये नहीं पता, मेरे ख्याल से तो नहीं चलेगा। इसमें जब 400 रुपए खत्म हो जाएंगे ना, उखाड़ के नया ले लेंगे। हाँ यही करना पड़ेगा, अब ये 400 रुपए तो वसूले पहले। फुल मार दो फुल। तो भाई सब रेट वेट पूछ रहे हैं, मॉडिफाइड है, कंपनी से आती है, क्या सीन है? हाँ पेट्रोल भाई, पेट्रोल। तो भाई पहले भी पेट्रोल पड़ा हुआ था, 2700 रुपए का पेट्रोल आया। हाँ केरला गया था, अभी आसाम भी गया था, देखी वीडियो? चलो बढ़िया, अभी टैंक फुल कराया, 6451 चली है। वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे को भी याद रहे, मैं भी ना भूल जाऊँ। अब देखेंगे कितनी चलेगी। एक चीज और बताओ, अभी पेट्रोल पंप पे खड़े थे ना, तो पेट्रोल पंप वाले सारे खट्टे हो गए, तो उनको समझ नहीं आता कौन सी कंपनी की बाइक है, तो कह रहे जाट कंपनी की बाइक है, जाट कंपनी, उस पर जट प्रज्योत लिखा हुआ ना, कह रहे किसी इतनी हंसी आ रही ना। फिर उन्होंने बताया भाई जट कंपनी के नहीं है, हस्क वरना है, जट प्रज्योत हमारा यूट्यूब चैनल है। कह रहे अच्छा फिर ठीक है। एक बार फिर से टेस्टिंग करेंगे अपने फास्ट टैग की, उम्मीद तो नहीं है चलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। ये कैसा सा डंडा है भाई, ये रीड तो नहीं हो पा रहा भाई, वापसी में इसको चेंज करा लेंगे। डंडे को क्या हो गया भाई, भाई खराब है। निकल गया फिर से नंबर डाल के। ये आगे वाले बंदे डिक्की खोल के चला रहे हैं, या तो ये भूल गए कि डिक्की खुली हुई है। गाड़ी भी पंचर है भाई। ओह गाड़ी भी पंचर है, इनको ना एक बार बता दो जीजू। पंचर हो गया पंचर। अच्छा पता है, रोड के बीच में तितिज गाय भाग रही थी ना, सब गाड़ियों ने ब्रेक लगा ली। चलो भाई ब्रेकफास्ट टाइम, आई थिंक फतेहाबाद के आसपास कहीं हम पहुंच गए हैं, तो कोई अच्छा सा ढाबा दिखा। अब ये नहीं पता अच्छा है कि नहीं है, खाने के बाद ही पता लगेगा। और बाइक क्या शानदार लग रही है यार, मज़ेदार। मैं इसका ना कवर भी लेकर आया हूँ कि ज़्यादा धूप वूप होगी ना तो इस पर कवर डाल दूंगा, इसके कलर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो चाचा खड़े होके हमारी बाइक निहार रहे हैं, कह रहे ये क्या चीज़ है, ये बाइक तो कभी देखी नहीं, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कुछ अलग ही चीज़ है भाई। चलो अपने तो समझ नहीं आ रही, चले यहाँ से। चलो भाई आ गया अपना पराठा, मेरा आलू का और इनका गोभी का। चलो भाई खाना पीना पार्ट डन, अब यहाँ से चलाएंगे। जीजू बाइक भी हमने चेक कर ली, बाइक एकदम परफेक्ट खड़ी है, हल्की सी भी नहीं हिली। अभी क्या सीन है ना, बढ़िया बढ़िया लोकेशन आ रही है आसपास, बिल्कुल खेत ही खेत आ रहे हैं, कहीं से ड्रोन उड़ाने का मौका भी लगाना तो ड्रोन भी उड़ाएंगे। ये गाड़ी चलाते रहेंगे जीजू, मैं साथ बैठ के ड्रोन उड़ा लूंगा, मतलब चलती गाड़ी का शॉट लेंगे। देखो आसपास पूरे खेत ही खेत है, सस्ती है सस्ती। 8 लाख रुपए की, 8 8 8 बाइक है, 8 लाख की है,
टोल वाले भाई शीशा खड़का के पूछ रहे कितने की बाइक है, बाइक बहुत बढ़िया लग रही है। मैंने बोला 8 लाख की होगी इतने की। तो सिद्धू भाई के घर जाते हुए गाड़ी पे भी सिद्धू भाई दिख रहे हैं, और ये आगे गाड़ी वाला भी भाई अपना सब्सक्राइबर है। एकदम बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया, राजस्थान का टूर है। वाओ भाई वाओ। ये देखो भाई, एक नई बसूड़ी जो हमारा टैग है ना उसके अंदर मेरे नंबर की जगह पता नहीं किसका नंबर डाल दिया, ना कोई मैसेज आ रहा ना कुछ आ रहा है। जिसकी फोटो दिखाई थी ना टैग लेते वक्त, उसी का नंबर है। उससे चलो पूछ लेना, नंबर डाल दिया। उससे पूछ लेना भाई ऐसा क्यों किया। ये जितना आसान था लगाना उतना ही आसान भी था ना। मुबारक है, सुबह एक टैग लगाया अब उसको उतार रहे हैं। दूसरा टैग हमने ले लिया, अब इसको चिपकाने नहीं वाले। आगे जाएंगे ना टोल पे, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर चल गया फिर चिपकाऊंगा, अगर नहीं चला जाएगा ना फिर मैं लगाऊंगा नहीं टैग, डबल पैसे देता हुआ जाऊंगा। सब्सक्राइबर हेलो बाय बाय। डब्बा वाली। अब ये कौन सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है भाई, बीच में से निकालूं कहीं ऐसे ना हो जाए, ऐसे खड़ी हो जाए, साइड ही ले लो। पानी भरा और वो भी दूर तक। पिछली बार हम वो वाले गेट से आए थे, अभी हमें गूगल मैप दूसरे गेट से लेके आया, बैक साइड वाले, वो यहाँ से कहीं से आता है। गाड़ी का हाल कुछ ऐसा हो गया, पूरी मिट्टी मिट्टी मिट्टी, और थोड़ी बहुत मिट्टी हमारी बाइक पे भी आई होगी। नहीं भाई, बाइक साफ है, हल्की फुल्की आई है, ज्यादा नहीं आई। तो अभी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो लास्ट में हमने शीशा दिखाया ना, वहाँ पर 3 दिन लगातार बैठने से 5 से 10 मिनट मूल मंत्र का जाप या कुछ भी वाइगुरु करने से ना आपका पैरालाइज ठीक हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले और भी आ गए। पहले उनसे मिलते हैं, तो आपको दोबारा मिलते हैं। वीरे सस्का भाई ठीक हो? बढ़िया सस्का जी। तो मैं क्या बताता हूँ, शीशे के आगे 5 से 10 मिनट मूल मंत्र का जाप या कुछ भी वाइगुरु 3 दिन तक करना होता है, आपका जो पैरालाइज होता है ना हल्का फुल्का ठीक होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करते रहो कि पूरा ठीक हो जाएगा। बहुत से बंदे यहाँ पर आए हैं, लेकिन आना सच्चे मन से पड़ेगा। आप ऐसे आ जाओ कि हाँ भाई पता नहीं ठीक होगा, मन में हल्का सा भी वो होगा ना कि शंका कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, नहीं पूरे मन से आना पड़ेगा कि हाँ यहाँ आए ठीक होके जाएंगे, 100% ठीक होगा। ये जो गुरुद्वारा है ना, ये सिख धर्म में 5वां तख्त है। अब यहाँ से जा रहे हैं मूसा पिंड, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर, और मेरे ख्याल से गलियों गलियों से जाएंगे, या मे भी हो सकता है मेन रोड भी आएगा। हम पहली बार जा रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है इतना। ये है गुरु रविदास जी चौक। देख लो भाई, जो बंदे कहते हैं हमारी गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है, अभी टंकी फुल करवाई थी, अब दोबारा फुल कराएंगे, बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। एवरेज कैलकुलेट करके बता देना। लो भाई 3000 का पेट्रोल आ गया, पहले 2700 का आया था। पेटीएम दे दो पेटीएम। मुझे क्या लग रहा है ना, अमृतसर पहुंचते इसमें 10000 रुपए का तेल लग जाएगा, है ना? मतलब कितना है, 550 किलोमीटर है दिल्ली से, 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर 10000 में अपने आप ही एवरेज निकल आई। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसों का चढ़ावा नहीं करना है, यहाँ पर आओ देखो और जाओ।
और ये पहले शीशा भी नहीं था। जितनी जमीन दिख रही है ना, ये सारी की सारी अपने सिद्धू भाई की है। तो ये जो कांच वाला बॉक्स बनाया ना, ये अभी महीना पहले ही बनाया है। ये इस करके बनाया कि भाई बंदे आते थे, मतलब देखो सबको ही प्यार है, कोई गले से लगा रहा है। अभी राखी आई थी, सबने राखियां बांध दी थी, तो ये जो पुतला बनाया ना, इसका कलर उतर रहा था, इसलिए करके ये लगा दिया। अभी बॉक्स कोई भी आएगा बाहर से देखो, मतलब हाथ वात मत लगाओ। ਕੀ ਰਖਵਾਓਗੇ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਖਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਆਓਗੇ ਕੱਲ ਮੁੜੇ ਆਓਗੇ, 10 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ 10 ਘੰਟੇ ਆਣਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਰੀ। ਭਾਈ ਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, तो आज सही में वो हमारे बीच होता। जो सिद्धू भाई के डैडी जी है ना, ये भी अभी कल ही हॉस्पिटल से हैं, इनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई एक तो सिद्धू भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रे करना, और इनकी तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए भी प्रे करना। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो बाहर बैठे हैं लोगों से मिलने के लिए। इतने थोड़ी सी बातें बातें करी, हाल चाल पूछा, अभी डॉक्टर ने भी थोड़ा कम बोलने को कहा उनको, बिकॉज सांस वगैरह चढ़ता है। बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं पटियाला की ओर, मतलब यहाँ आते ना, जब यहाँ आते मुँह से वो लगे गाने सुन रहे थे, और यहाँ आके वो ऐसा होता है दिल नम सा हो जाता है कि भाई जिस बंदे को हम देखते हैं, मतलब मेरा वो इतना मन था ना मिलने का, मतलब अगर मेरी 4-5 साल पुरानी वीडियो आप उठा के देखोगे ना, मैंने इतनी वीडियो बोला कि भाई मूसे वाले के फैन है, मूसे वाले से कभी ना कभी तो मिलना है, लेकिन भाई बिना मिले ही चला गया है। पता नहीं था ऐसे उसके समाज में मिलने आए। हाँ, मतलब सच में कभी नहीं सोचा था कि पिंड आएंगे, उसके घर आएंगे, और इस टाइम पर आएंगे कि जब वो होगा ही नहीं। चलो बाकी ठीक है, बाबा जी से यही प्रे है कि आत्मा की शांति मिले और इनका घर परिवार एकदम सुखी रहे। अभी जा रहे पटियाला। और ये हल्की हल्की नींद, अब हम चलाएंगे पटियाला। यहाँ से जाएगा करीबन 60 किलोमीटर। एक बार बाइक चेक कर ले। हाँ, बीच बीच में ना बाइक हिला के चेक करते रहते हैं, तो सही है कि नहीं। और गाड़ी की हालत देखो, देख रहे हो पीछे वाले टायर से कीचड़ कहाँ कहाँ तक उछल के आया, आगे हैंड गार्ड तक गया है। तो भाई जब से हमने दूसरा फास्टैग बनाया ना, उसके बाद अब टोल आया। चल गया भाई, चल गया, तरक्की हो गई है। रख दो इसको वापसी अंदर, अब इसको ऐसे रखे रखेंगे ना। पटियाला में आपका स्वागत है भाई। अभी सीन ऐसा, बीच में ऐसे ऐसे खड्डे आए, हमारे वूफर की ना वायर उतर गई है। तो पटियाले में घुसते अपने सब्सक्राइबर भाई मिले, ये रे, इनसे हमने पूछा अपने दुकान बता दो, इन्होंने दुकान बताई। इतना गानों में गाड़ी चलाने में मजा ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा बाइक का कलर चेंज हो गया धूप में ना। और हम अपने होटल में पहुंच गए, रूम भी हमने ले लिया है, सारी फॉर्मेलिटी भी कर ली है, आईडी भी दे दी है, पैसे नहीं थे पैसे सुबह देंगे। एसी हम पहले चालू करवा गए थे, ये वॉशरूम और ये बेडरूम। तो भाई अभी हमने हमें पनीर के पकोड़े मंगाए थे, वो तो खा लिए, लेकिन एक चीज नोटिस करी है, चाय पीने लगा था, केटल ही नहीं है। दूध, चाय पत्ती, चीनी सब है। कैसे बनाओगे? सोचो खुद ही गर्म हो जाओ। और एक चीज और, एक लास्ट चीज, ये शादी वाली कुर्सी यहाँ के पड़ी हुई है। अरे नीचे शादी थी, टेंट चोरी करके ले आए हैं। कुर्सी चोरी करके टेंट दी। मेरी पेंटिंग, क्या बात सही है भाई।
ये नीचे खड़ा हुआ था भाई और रोहरा सिमरन भाजी जा रहे थे नीचे की तरफ, तो इन्होंने देखा रोहरा तो बाकी रुपए था भाई, मैं कह रहे रोंडा चलो रो क्यों रहती पहले था बोलते हैं बहुत टाइम से देख रहा हूं आपको तो रोगे ओ क्या बात, वेरी गुड, सही है सही है। और ये अभी हमारा डिनर का टाइम है, आई डोंट नो कहां पर आए, कहां है 11 ब्रू जितना दिल जीवन दिल करता मेरे भाई 11:40 और ये कोई आया था और हमारे लिए केक छोड़ गया, बहुत बहुत शुक्रिया अभी भैया ने बताया। तो ठीक है भाई, एकदम सही सलामत हम रूम में पहुंच गए हैं और वो देखो वो लैपटॉप पड़ा हुआ है, जाते टाइम मैं एडिटिंग कर रहा था लेकिन जो अपनी एडिटिंग है ना सिमरन भाई के चक्कर में बीच में रह गई थी, अभी सोच रहा हूँ सुबह करूं या अभी करूं, जैसा भी होगा डिसाइड कर लूंगा। बाकी होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आएगा, यहाँ तक वीडियो देखिए लाइक करें ना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलता है किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बनाए थे बाय बाय बाय। और कल हमारा अमृतसर जाने का प्लान है और वहां भी सोच रहे हैं एक छोटा सा मीटअप करेंगे, प्लान है बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, चलो बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ अब, शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।